स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एडुटेक आपके अपने चैनल पर। बच्चा लोग ये है एलिमेंट एडुटेक आपका अपना चैनल और आज आपकी क्लास क्लास 12 सीबीएसई आईएससी और स्टेट बोर्ड के लिए ये है केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें कि आज केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट पढ़ाया जाना है। ठीक है बच्चा, तो हो जाइए तैयार पावर पैक परफॉर्मेंस के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 101% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो 12th वाले बच्चों बिल्कुल याद कर लीजिए ये वाला टॉपिक आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है ठीक, लेकिन ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है दो कम से कम दिलवा के जाएगा। यूनिट ऑफ रेट लॉ कॉन्स्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जामिनेशन में 100% आता है, कोई इसको रोक नहीं पाया आज तक। तो यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट क्या है ये मैं आपको सिखा दे रहा हूं अभी। ठीक है, ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल एलिमेंट एडुटेक, जिसमें कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं आपको, और इससे साथ साथ में जेई मेन और एडवांस के लिए भी, साथ साथ में नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए और 10th आईसीएसई के बच्चों के लिए, प्री फाउंडेशन के लिए भी क्लासेस केमिस्ट्री की चलती हैं और डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। और अभी आप देख सकते हो नीट यूजी की क्लास चलने के बाद में, फिर उसके बाद में आपकी क्लास 11th की चली, 11th पहले चला था, नीट यूजी की क्लास ली केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद में क्लास 10th आईसीएसई की क्लास जबरदस्त चली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किसी को अगर बेसिक्स अपने कमजोर लगते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां से पढ़ सकता है। और इसके बाद में देखिए हमारे प्यारे बच्चे इस क्लास में आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं आज यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, चलिए हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं बच्चे। ठीक है, हाँ इसने, हाँ, एकदम एकदम कुंदन याद है हमें, हाँ स्नेह, हाँ हाँ जय श्री राम लिखा था भाई आपने, मुझे पता है, ठीक है आपने लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास की बच्चा यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट आइए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिट ऑफ रेट लॉ कांस्टेंट क्या होता है। बेटा देखिए, आपने देखा था रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रिलेशन होता है ना, किस चीज के बीच में, बिटवीन ठीक रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और कौन से कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ठीक रिएक्टेंट्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के रिलेशन होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, ये जब एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइंड हो जाता है तो दिस इज सो कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब मान लेते हैं कि एक रेट लॉ एक्सप्रेशन है, एक रिएक्शन है, ए से पी बन रहा है ठीक। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन यहां पर लिखा हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है कि रेट बराबर के मल्टीप्लाई ए टू द पावर ठीक एन। अब एन क्या है, एन वो कंसंट्रेशन टर्म है या उन मोल की संख्या है जिन पे ठीक रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है ठीक। एन इज द नंबर ऑफ मोल या वो ठीक है नंबर ऑफ मोल है या वो टर्म है कंसंट्रेशन के, ए के उन कंसंट्रेशन टर्म को यहां पर लिखा गया है जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, जिस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर सपोज दैट यहां पर 10 मॉलिक्यूल ए के शुरुआत में लिए जाते, 10 मॉलिक्यूल का मतलब 10 मोल लिए जाते ठीक, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल सामने 10 लिखा होता और ये केवल और केवल इसकी पावर 2 पे डिपेंड करता, तो इसका मतलब कि ये इसकी पावर 2 पे डिपेंड कर रहा, 10 पावर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ऑर्डर हो गया ए का विद रिस्पेक्ट टू, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर हो गया ठीक एन विद रिस्पेक्ट टू ए, रिएक्शन का ऑर्डर हो गया एन विद रिस्पेक्ट टू ए, बस समझिए ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर हो गया एन। अगर यहाँ पे दो रिएक्टेंट होते मान लेते हैं, एक और बी होता, बी की पावर मान लेते हैं कि एफ होता, तो B की रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है F एंड वाइस वर्सा, चलेगा ऐसा ठीक डन। अब समझना, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये K है दिस इज कॉल्ड रेट लॉ कांस्टेंट, बेटा इसको कहते हैं रेट लॉ कांस्टेंट, यही हमारा रेट लॉ कांस्टेंट है बेटा। अब ये जो रेट लॉ कांस्टेंट है ना, इस रेट लॉ कांस्टेंट की यूनिट की बात चल रही है और बहुत ही इजी आ जाएगी, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। कैसे आ जाएगी आइए दिखाता हूं मैं आपको ठीक, बहुत ही आसानी से आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, यूनिट ऑफ
रेट ला कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्लियर है, देखिएगा। अब यहां पे रेट बराबर क्या लिखा गया है, के मल्टीप्लाई, यहां पे कंसंट्रेशन ही लिखेंगे क्योंकि ए तो कंसंट्रेशन ही है, यहां पे उसकी पावर एन है। तो रेट क्या होता है, जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक, अपॉन टाइम इंटरवल होता है, बराबर के इंटू कंसंट्रेशन का पावर एन होता है। आप देखो तो यहां पे लिख सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। फिर यहां पे टाइम का मतलब, यहां पे टाइम आप कर दीजिए, ठीक है, टाइम इन सेकंड होता है वैसे तो, या मिनट भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन का पावर एन। तो अब यूनिट ऑफ के क्या आएगा, के को एक तरफ लिख लीजिए, यूनिट ऑफ के बराबर, ये कंसंट्रेशन यही रखिए कि ये कंसंट्रेशन का पावर एन नीचे भेज दीजिए, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का पावर एन इंटू वन बाई टाइम। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से कि यूनिट ऑफ के बराबर कंसंट्रेशन की पावर, अब ये वन है नीचे एन है तो वन माइनस एन हो जाएगा, इंटू टाइम का पावर माइनस वन, टाइम इनवर्स। तो बस ये फॉर्मूला आप याद कर लो, यूनिट ऑफ के आपको याद हो जाएगी किस तरीके से निकलेगी, बाकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जितने वो तो मैं बताऊंगा आपको। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर जीरो है, लेट गिवन ऑर्डर इज जीरो, तो एन की वैल्यू होगी जीरो, तो अब यूनिट ऑफ के क्या हो गया, आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल बाय लीटर, इसकी पावर वन माइनस एन में वन माइनस जीरो हो गया, टाइम इनवर्स का मतलब मान लेते हैं सेकंड इनवर्स हो गया, मान लेते हैं टाइम सेकंड में, तो मोल पर लीटर, क्योंकि वन माइनस जीरो वन ही रहेगा, मोल पर लीटर, ठीक, सेकंड इनवर्स, या इसको आप ऐसे ले सकते हो, और ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान क्या होगा यार, ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। कई बार मोल पर लीटर को कैपिटल एम से दिखाता है, इसलिए सावधान रहना, ठीक। अब आगे दिखाते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो यूनिट ऑफ के बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का पावर वन माइनस वन, और यहां पे टाइम इनवर्स है, टाइम मान लेते हैं सेकंड में, तो यह आ जाएगा मोल बाई लीटर टू दी पावर जीरो, और यह सेकंड इनवर्स, तो मान लेते हैं इसकी पावर जीरो का तो वन ही हो गया, तो सेकंड इनवर्स आ गया, आगे ना। तो ये यूनिट ऑफ के निकालने का आपको फॉर्मूला मैंने बेहतरीन वाला दे दिया है, इस फॉर्मूले का यूज करके बड़ी ही आसानी से मेरे बच्चे जो है वो यूनिट ऑफ के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो यूनिट ऑफ के, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे, देन एन की वैल्यू पुट करिए वहां पे आ जाएगा। अब इसका एक बार कन्वर्स, कई बार क्वेश्चन देता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, इन अ गिवन रिएक्शन, ठीक है, द रेट ऑफ, ठीक, रेट ऑफ नहीं, रेट ला कॉन्स्टेंट, रेट ला कॉन्स्टेंट वाज फाउंड टू बी, और ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है, मोल टू द पावर माइनस टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए भाई, ठीक है, रेट ला कॉन्स्टेंट के दिया है, हो सकता है कि वैल्यू दे दे, ठीक, मान लेते दिया वैल्यू, रिएक्शन का वैल्यू ऑफ रेट ला कॉन्स्टेंट दे दे 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये तो भरमाने के लिए है, ये वैल्यू से तो मतलब नहीं, हमको यूनिट से मतलब, कुल मिला के कहने का मतलब हुआ, कई बार यूनिट से ऑर्डर पूछेगा, कई बार ऑर्डर से यूनिट पूछेगा, तो जब यूनिट से ऑर्डर पूछे ये बच्चों को दिक्कत करता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका मैं बताता हूं आपको जबरदस्त, ठीक, और अभी का भी बताऊं, ठीक, जब, ठीक, यूनिट से ऑर्डर, यूनिट टू ऑर्डर कैसे निकालेंगे, इसका तरीका देखिए, करना क्या, फार्मूला वही लिखना है, यूनिट ऑफ के बराबर
कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस एन होता है, और यहां पे आपका टाइम इनवर्स होता है, ये आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, टाइम इनवर्स होता है, ठीक है, टाइम जिसमें भी दिया होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पे यूनिट ऑफ के में इस क्वेश्चन में दिया, इसने मोल पावर माइनस टू लीटर का स्क्वायर सेकेंड का इनवर्स बराबर, कंसंट्रेशन में हम लिखेंगे मोल बाई लीटर की पावर 1 माइनस एन, और टाइम की जगह पर हम लोग यहां पे क्या कर देंगे, ठीक है, टाइम की जगह पर क्या कर देंगे, हम भी यहां पे सेकंड इनवर्स कर देंगे, सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, डन। अब क्या करना है, यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं बच्चा। अब यहां पे जैसे मोल पर लीटर लिखा है, आप इसी फॉर्म में इसको लिखिए मोल, अब ऊपर में तो देखिए लीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब वो लीटर स्क्वायर नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से लीटर की पावर माइनस टू हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, पावर माइनस टू बराबर क्या आ गया, मोल बाई लीटर की पावर वन माइनस एन। तो पावर अब कंपेयर कर दीजिए, वन माइनस एन बराबर माइनस टू, यानी कि माइनस एन बराबर, यानी एन बराबर वन प्लस टू, यानी कि थ्री आ गया ऑर्डर। तो ये इस तरीके से आपको करना, ठीक है, या पावर इसकी कंपेयर कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आती है ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये था ना मोल का पावर माइनस टू लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, तो बराबर हम क्या करेंगे, हमको पता है इधर मोल बाई लीटर है, इसका पावर वन माइनस एन है, और ये सेकेंड इनवर्स, ये कट गया सेकेंड इनवर्स। अब हमने इसको मोल को नीचे भेज दिया, लीटर बाई मोल को नीचे भेज दिया, मोल नीचे चला गया, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं पूरे को। अब इसको भी पलट देंगे, इधर भी लीटर ऊपर कर देंगे, मोल नीचे कर देंगे, और इसकी पावर को एन माइनस वन कर देंगे, इसकी पावर चेंज कर देंगे। अब एन माइनस वन बराबर दो आ गया, और एन बराबर फिर से टू प्लस वन बराबर थ्री। आपको जो पसंद आए, ये पसंद है ये कर लीजिए, ये पसंद आए ये कर। तो ये दो तरीका मैंने आपको सिखा दिया बच्चा यूनिट ऑफ रेट लॉ कॉन्स्टेंट के लिए। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, 100% आने वाला है एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन बोर्ड में आया था एक बार, वो मैं दिखा दे रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था एक बार कि इन अ गिवन रिएक्शन, ठीक है, इन अ गिवन रिएक्शन ए से पी दिया हुआ था, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, अगर ये लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के लिखा हुआ है, रेट बराबर के लिखा हुआ है, मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ही लिखा है रेट बराबर के, तो बताना है कि ये ठीक इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर। तो ध्यान से देखना, अब इसको बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार यहाँ पे तो कंसंट्रेशन टर्म गायब है, ये नहीं, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है रेट बराबर के मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन, जो भी हो उसकी पावर जीरो होगा तभी तो वन आया, कंसंट्रेशन की पावर जीरो, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बस यही बात करना है, ठीक है। चलिए तो अब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से, और अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। छोटा सा टॉपिक था, इसको अगर पसंद आता है लाइक करना, जबरदस्त शेयर मारना, और कल की क्लास जो चलेगी आपकी थोड़ी सी क्लास लंबी चलने वाली है, क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ठीक आपको मैं निकालने सिखाऊंगा, बाकी जीरो ऑर्डर से कुछ एग्जांपल्स, बाकी सब चीजें बात होगी रेट, ठीक है, आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, बात काफी सारी डिटेल में कल होने वाली है। तो ठीक है बेटा, क्लास 12th वाले बच्चों फिकर मत करिए, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको नवंबर तक एकदम तैयार कर दूंगा, एकदम नवंबर तक एकदम मतलब लोहा लाट करके दे दूंगा आपको, आप जाइए, ठीक है, तबाही मचा दीजिए, 70 में 70 ला दीजिए, ठीक है, इतना पढ़ा दूंगा नवंबर के, ठीक है, मतलब नवंबर में अक्टूबर के लास्ट तक, अक्टूबर 31 अक्टूबर तक मैं आपको लोहा लाट कर दूंगा केमिस्ट्री, ठीक है। बस वायरल करिए इसको, और इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज्वाइन करिए, ठीक है, और खूब सारा पढ़ाई करिए यार। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है बच्चा, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडुटेक। अच्छा ये क्या कह रहे हो, उसने वीडियो के नेम में ICS लिखा है, नहीं ISC लिखा है, जानते हो ये ISC 12th वालों का जो होता है ना, आपका जो ICSE बोर्ड होता है 10th तक होता है, उसके बाद 11th 12th जो होता है उसको ISC बोलते हैं, मतलब ICSE में हाँ है ना, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। तो ये जो है ना, ठीक है, 12th लेवल पे ISC हो जाता है, 9th और 10th लेवल पे ICSE रहता है वो,
और ये सीबीएसई आपका जैसे फिर वो आईएससी उसको बोलते हैं, आईसीएस नहीं आईएससी, ठीक है बेटा, ठीक है स्नेह। कोई बात नहीं, मजा आता है बात करके तुमसे, कोई बात नहीं, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओ, चलो ठीक है। तो चलो बेटा अब काफी वक्त हो चला है और मिलते हैं आप कल, ठीक है, कल मजा आया पढ़ के। सीबीएसई का क्या चाह रहे हो कि सीबीएसई की अलग से क्लास चला दें, सीबीएसई बोर्ड वालों की अलग से क्लास चला दें? नहीं यार वो पढ़ो, उसके साथ प्री फाउंडेशन है वो, आईसीएससी वाला है ना। हाँ मैं ये कर दूंगा कि जो चैप्टर है बेसिकली वो उसके क्वेश्चन वो पूरे कवर कर दूंगा, चलो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई के लिए भी मैं चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चार चैप्टर हैं ले देखे, ठीक है चारों कर दूंगा। बाय, गुड नाइट, खुश रहो बच्चों, चलो शेयर मारो खूब, बच्चों को भेज दो, ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई टेंथ वाले बच्चों को भेजो, बोलो कि क्लास एकदम शुरू होने जा रही है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक, ऐसा इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप वगैरह में फ्रेंड्स वगैरह में दे देना, तो मैं ठीक है उसको शुरू कर दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, कोई चिंता मुझे नहीं है, ठीक है बेटा, चलो मजे से क्लास करो, खूब ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स का सब लोग क्लास करो आराम से, ठीक है, सब क्लास करो खूब मिल करके, जम के क्लास करो, कम से कम क्लास में लड़के पढ़े अच्छे से, ठीक है चलो, ठीक है स्ने, हाँ खुश रहो, तो भी ट्वेल्थ का देखने में मजा आ रहा है। सही बात है, ऐसे ही आता है, मैंने कहा था ना कि माइंड सेट हो जाता है, बोले ना दोस्तों, बस सबको सब्सक्राइब करा देना, ठीक है, चैनल अपना मोनेटाइज हो चुका है लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो ही तो चैनल फेवरेट होगा ना, सब सबके पास पहुंचेगा। तो मैं सीबीएसई को पढ़ाने जा रहा हूँ कल से, कोई दिक्कत नहीं, कल से पढ़ाऊंगा आधे घंटे की, आधे आधे घंटे की क्लास चलेगी आईसीएसई की, आधे सीबीएसई की अलग से चलेगी, पढ़ाऊंगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउट क्या था बताओ, क्या डाउट था बोलो, उसमें कहाँ पे डाउट था बोलो, ओसवाल ले लो, ठीक ओसवाल ले लो, ओसवाल में क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा होते हैं अच्छे, ओसवाल पुराना भी है, ऑल इन वन अरिहंत का है, मैं 11th 12th में ऑल इन वन ही जो है प्रेफर करता हूँ बच्चों को, ऑल इन वन बोलता हूँ, एनसीईआरटी लेवल का होता है, ऑल इन वन पूरा एनसीईआरटी कवर करता है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ओसवाल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ओसवाल भी बढ़िया, ओसवाल इज गुड, ओसवाल इज गुड, ठीक है, मैं कवर कर दूंगा सब, क्यों चिंता करते हो, एलिमेंट एडुटेक का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसी पे मटेरियल डालते रहूंगा, ऑल इन वन हो चाहे ओसवाल हो, वो सबको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, डन, सीबीएसई के लिए पूरा, ठीक है, चलो चलो खुश रहो, गुड नाइट।